हेलो माय लवली फैमिली, सलाम नमस्ते शास्त्रीय काल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो लो जी, फिर एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आ गई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ वेट लूज से रिलेटेड रेसिपी। आज हम रेडी करने वाले हैं स्टीम वेज बाउल। तो ये वेट लूज से रिलेटेड रेसिपी है, तो चलिए इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसमें ऐड करा है 2 स्पून ऑलिव ऑयल, बिकॉज वेट लूज से रिलेटेड हम ये रेसिपी रेडी कर रहे हैं, तो मैंने इसमें ऑलिव ऑयल का यूज़ करा है। एंड साथ ही मैंने इसमें 2-3 लहसुन की कलियाँ चॉप करके ऐड कर दी हैं, उन्हें अच्छे से ब्राउन कर लिया है। देन इसमें मैंने ब्रोकली एंड मशरूम ऐड करा है अपना, अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में मैंने इसमें ऐड करा है सॉल्ट, और साथ ही मैंने यहाँ पे मटर अपनी बॉइल्ड होने रख दी है। ये सीजनली मटर है इसलिए मैं इसे बॉइल कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा बॉइल दे रही हूँ। अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं तो बॉइल मत दीजिएगा, आप इसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने इसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करा है, ऐड करा है। अब अच्छे से मैं इसे सॉटे करूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ओरिगैनो, पिज़्ज़ा ओरिगैनो ऐड कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में। तो इसमें सिर्फ मैंने 2 इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं, 2 इंग्रेडिएंट का यूज़ करा है, सॉल्ट एंड ओरिगैनो, डेट्स इट, और कुछ यूज़ नहीं करा है। एंड वेजीज, सो मैंने मटर मेरी हल्की सी बॉइल्ड हो गई है, मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसमें साथ में थोड़ा सा ओरिगैनो और ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, सब पे आ जाए टेस्ट, फ्लेवर आ जाए। एंड मैं अब इसे अच्छे से सॉटे होने दूंगी, इसका जब तक वाटर ड्राई नहीं होता तब तक इसे सॉटे करेंगे हम। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप अगर वेट लूज कर रहे हैं तो अपने वेट लूज डाइट चार्ट में से इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा। आप ये छोटी भूख लगती है वो नहीं लगेगी, छोटी मोटी क्या बड़ी भूख भी नहीं लगेगी, बिकॉज ये काफ़ी हैवी हो जाता है। तो इसे हमने 2-3 मिनट तक कवर कर दिया, देन उसके बाद में हम इसे ओपन करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। एंड इसे अब हम सॉटे करते रहेंगे, अब इसे नहीं कवर करना, बस ऐसे ही एज इट इज़ इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे, इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे सॉटे करना है। देन इसे मैंने थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर ऐड कर दिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। अच्छे से सॉटे करते रहेंगे। अगर आपके बच्चे वेजीज़ को नहीं पसंद करते, नहीं खाते एंड साइड में निकाल देते हैं, तो प्लीज़ आप इस तरीके से ज़रूर बना के दीजिएगा, फुल बाउल फिनिश कर देंगे, बिलीव मी। आप ट्राई कीजिएगा एक बार बना के दीजिएगा। एंड उसके बाद में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ट्रिक वर्क करी है या नहीं। एंड जो वेट लूज नहीं भी कर रहे वो इस बाउल को ले सकते हैं, इस वेजीज के बाउल को खा सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में या लंच में, डिनर में, जब आपका मन नहीं हो खाना खाने का, आप कुछ अलग डिफरेंट खाना चाहें तो आप इस तरीके से बना के खा सकते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे ऐसी ही मोर रेसिपी के लिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, आप उसे क्लिक कर लीजिए। एंड अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, लिंक में